हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास एक लिनोवो का टैब आया हुआ है जो कि इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में विदाउट PC कैसे बाईपास करना है और 100% वर्क करेगा भाइयों। तो सबसे पहले अपने इस डिवाइस को आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया और कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि वॉइस देने का कुछ ना कुछ मतलब होता है दोस्तों। तो इसी के लिए वॉइस पे भी ध्यान दें और वीडियो को भी ध्यान से देखें। तो आपको करना क्या है, इसका सिम ट्रे को निकालना है, उसके अंदर में एक सिम कार्ड लगा देना है, ठीक है। यानी इस डिवाइस के अंदर में आपको वाईफाई से अटैच करना है, उसके बाद एक सिम कार्ड लगा देना है। तो सिम कार्ड अटैच करने के बाद ऐड अनोदर नेटवर्क जो लिखा हुआ यानी ऐड नेटवर्क में आना है और कुछ भी आपको टाइप करना है, इसे प्रेस करके रखना है और शायद में शेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको शेयर करना है। उसके बाद ये जो मैसिंग है दोस्तों, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है, अलाउ करना है। उसके बाद आपको इसमें टाइप करना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर YouTube टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ YouTube ओपन हो पाता है या नहीं। अगर नहीं YouTube ओपन होता है तो और भी बहुत सारा तरीका है जिस तरीके से हम लोग बाईपास कर सकते हैं विदाउट PC। तो चलिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ www.youtube.com, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऊपर 198 पे सेंड कर देता हूँ और इसमें जब क्लिक करता हूँ, चलिए यहाँ पर शायद कुछ प्रॉब्लम हो, हटाइए, ये काम नहीं करने वाला। आपको इजी तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर कुछ भी आपको डायल में नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ भी नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में क्लिक करना है आपको। इससे क्या होगा, आपका डायल पैड जो है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिए, स्क्रीन में आपको नज़र पड़ता होगा, सेम आपको इस कोड को टाइप करना है। बहुत ही इजी है, इस तरीक़े से आप बाईपास कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सेटिंग में इन हो चुका हूँ और इसका जो टाइप का मॉडल है ये आप देख सकते हैं। और एंड्रॉयड इसका कम है भाइयों, एंड्रॉयड 6.0.1 पे शायद ये रन कर रहा है। हालाँकि आप देख सकते हैं 6.0 इसका एंड्रॉयड है। तो चलिए, हम लोगों को करना क्या है, आगे सेटिंग में आने के बाद आपको ऐप्स में आना है, ठीक है। ऐप्स में आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। देखिए, गूगल ऐप्स, सिंपली इसमें आपको क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन में आना है, ऐप्स सेटिंग में आना है और यहाँ पर शो कार्ड करना है। उसके बाद नो थैंक्स करना है और ये जो सर्च है सिंपली इसमें आपको टाइप करना है क्रोम, ठीक है। CH आप टाइप कीजिएगा तो आ जाना चाहिए। CH देखिए लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में आपको क्रोम आ गया, सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट करना है, नो थैंक्स करना है और इसमें टाइप करना है एक वेबसाइट, जो कि इसका भी आपको देखिए मैं स्क्रीन में आपको शो करवा दे रहा हूँ। सेम इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है, देखिए FRP फाइल बाईपास, ठीक है। और उसके बाद आपको सर्च करना है और इसका जो वेबसाइट है इसमें आपको इन होना है। ये देखिए, यहाँ पर गूगल में जब आप सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में आपको जो लिंक आएगा, सिंपली आपको इसमें क्लिक करके इस वेबसाइट में आपको इन होना है भाइयों। उसके बाद आपको 2 APK डाउनलोड करना है, जो कि मैं आगे आपको दिखाता हूँ कौन सा 2 APK है जिसे आपको डाउनलोड करना है। कभी कभी ये जो वेबसाइट है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको 2 APK नज़र पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, बाईपास FRP, सिंपली आपको इसे क्लिक करना है, जो 1.0 है बाईपास FRP, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं, मैंने इसे डाउनलोड किया। उसके बाद ये जो गूगल अकाउंट मैनेजर 6 जो लिखा हुआ दोस्तों, आपको सिंपली इसे करना है, यानी 6.0 वर्जन है, इसे आपको अपने इस डिवाइस में डाउनलोड करना है। ये 2 APK को सिंपली आपको डाउनलोड करना है। बहुत ही इजी तरीके से आप बाईपास कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, सिंपली इसमें क्लिक करके ओपन करना है और सबसे पहले आपको इसे परमिशन देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको इसे जो ओके कर देना है, उसके बाद बैक होना है और जो गूगल अकाउंट मैनेजर है सबसे फर्स्ट आपको इसे अपने इस डिवाइस में इंस्टॉल करना है, एक्सेप्ट करना है।
ये देख सकते हैं कि सिंपली इसमें इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। उसके बाद आपको इसे डन करना है, ये देखिए डन। उसके बाद FRP बाईपास सिंपली इसे आपको इंस्टॉल करना है। ये जो APK है यानी नंबर 2 वाला जो APK है, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मैंने किसे इंस्टॉल किया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सिंपली इसे ओपन करना है, ब्राउज इन साइन इन करना है, सिंपली इसे ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है आपको भाइयों, और इसमें आपको जो भी आईडी याद हो, जो भी, सिंपली इसे आपको दे देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा, मुझे ये आईडी पता है, इसका आईडी पासवर्ड पता है, सिंपली मैं ये आईडी को दे दे रहा हूँ, और सिंपली आपको इसका पासवर्ड भी दे देना है। उसके बाद ये साइन इन करेगा और आपका जो FRP है वो बाईपास हो जाएगा इजीली। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और एकदम स्किप आप ना करें, वरना फिर आपको बाईपास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ये जो सिम का लफड़ा है मैंने इसे निकाल दिया, यानी सिम का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा। और वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरगेट रखा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो वैसे भी 7 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा बड़ा हो। आपको बस करना कुछ नहीं, अपने इस डिवाइस को जब आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है, स्किप करना है, ये देखिए स्किप एनीवे, सिंपली नो नॉट नाउ करना है, स्किप करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका ओके कर देना है। उसके बाद सेटिंग में आना है और अबाउट में आना है, और यहाँ पर देखिए बिल नंबर को 7 टाइम क्लिक कीजिएगा, इससे आपका डेवलपर ऑप्शन निकल जाएगा, और इसमें OEM को अनलॉकिंग कर दीजिएगा। उसके बाद अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कीजिए, अगर यूज़ करना चाहते हैं इसी कंडीशन में तो यूज़ कर सकते हैं। खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।